या इलाही बख्श दे सैयद को रोजे हश्र तो। सवाल जो है वो एनर्जी ड्रिंक के बारे में है, जैसे रेड बुल या स्टिंग और नाम की एनर्जी ड्रिंक आती है, उनको पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए, और उनके बारे में कुछ अफवाह भी होती हैं ख़ासतौर से रेड बुल के बारे में। तो अगर इन ड्रिंक के अंदर कोई ऐसी चीज़ जो इस्लाम के अंदर नाजायज़ और हराम है मिली हुई है, और उसके जो है ना इंग्रेडिएंट पर लिखा हुआ भी है कि हाँ इसके अंदर ये चीज़ मिलाई गई है, मिसाल के तौर पर अल्कोहल अगर मिलाया गया है या ऐसी कोई भी नाजायज़ चीज़ उसके अंदर मिक्स है, तो उसका पीना जो है वो हराम होगा, चाहे वो रेड बुल हो या स्टिंग या कोई दूसरा प्रोडक्ट हो। और अगर उसके अंदर ये कि कोई चीज़ ऐसी नाजायज़ मिली हुई नहीं है, लेकिन ये कि लोगों के अंदर अफवाह है कि इसके अंदर जो रेड बुल के अंदर ख़ास तौर से सीमन वगैरह का इस्तेमाल होता है बुल का, तो फ़कत अगर अफवाह है तो उसके अफवाह की वजह से वो नाजायज़ नहीं होगी। बाकी इसको पीने से एनर्जी आती है नहीं आती है तो एक कंपनी के जो हैं सिर्फ प्रमोशन है प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। सबको पता है इस तरीके की किसी भी ड्रिंक से कोई ऐसी एनर्जी नहीं आती जितने से आगे चल के नुकसान होता है इसकी हैबिट वगैरह पीने से, यानी हैबिट इसकी अगर बंदे को पीने की पड़ जाए तो। और इसके अंदर एनर्जी के नाम पे शायद इसके अंदर कैफीन वगैरह ही होता होगा जिसको एनर्जी वगैरह के नाम पर इसको प्रमोट किया जाता है, यानी वही सिस्टम जैसे चाय पीने से बंदे को थोड़ा नींद दूर हो जाती है या हल्का चला जाता है, सेम सिस्टम इसके अंदर होता है। तो अगर एनर्जी ड्रिंक के नाम पर अगर चाय इससे ज़्यादा बेस्ट है और या कॉफ़ी वगैरह इससे ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इनके अंदर कहीं ना कहीं केमिकल तो इंक्लूड रहता ही है जो सेहत के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता। नेचुरल एनर्जी ड्रिंक अगर पीनी है तो शहद का पानी भी पी सकते हैं, शहद एक चम्मच ग्लास के अंदर एक गिलास के अंदर एक चम्मच शहद घोल कर उसका पानी पियेंगे तो वो भी काफ़ी जो है ना एनर्जेटिक रहता है। इसी तरीके से भिगोए हुए मुनक्को का पानी भी पी सकते हैं, और सत्तू वगैरह भी नेचुरल है ड्रिंक के लिए, और 6 घंटे तक भिगोए हुए मुनक्के हों तो वो भी खा सकते हैं। तो ये ज़्यादा जो है ना बूस्टर रहते हैं और एनर्जी वाला एनर्जी ड्रिंक का काम करते हैं। केला भी एक नेचुरल फ्रूट है जो एनर्जी का ही काम करता है, अगर उसको भी खाया जाए तो ये सब चीज़ें जो है ना वो इसके मुकाबले में होंगी, और ये नेचुरल होंगी तो इसमें कोई ज़्यादा नुकसान भी नहीं है। तो अगर ड्रिंक का मामला है तो शहद का पानी या चाय जो है ना इन ड्रिंक्स के मुकाबले में ज़्यादा बेस्ट है। पीना इनका जायज़ है लेकिन सेहत और पैसे दोनों का इसके अंदर नुकसान ही है, फ़ायदा नहीं है। अब अपनी कज़ा उम्र नमाजों का हिसाब लगाना हुआ और भी आसान, विजिट करें qazacalculator.smsfarsi.com पर, और इस कैलकुलेटर से अपनी तमाम कजा नमाजों का हिसाब मिनटों में करें और डाउनलोड भी करें। कब से अपनी खताओं का शुमारा